कैसे हैं आप सब लोग। मैं फराहा यासिन फ्रॉम फराहा यासिन टैरोट और फराहा यासिन ऑफिशियल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। यकीनन आप खुशहाल और आबाद होंगे। आप लोगों ने काफ़ी टाइम से मुझसे करंट फीलिंग और क्या न्यू एक्शन है या उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के, काफ़ी दिनों से हमने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं की, इसके अकॉर्डिंग हम आज रीडिंग करेंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा बिकॉज न्यू मून असेंडेंट में है। ऑफ कोर्स अबाउट टू 7 को आई थिंक कल हो जाएगा या समथिंग 8 ऑफ मे तक हो जाएगा। रीडिंग हमेशा याद रखिएगा टाइमलेस होती है, हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। अगर ये आपको सिचुएशन नहीं है तो ज़बरदस्ती इसे अपने ऊपर ना थोपें। आप दूसरी रीडिंग्स पे जाइए, देखिए मुझसे बेहतरीन रीडर्स मौजूद हैं इस मास्टर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोग जो इस रीडिंग को हार्ट देते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं, रीयूनियंस बहुत होते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत सारे डीएम्स करते हैं, इनबॉक्स करते हैं, इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं, एंड आई लव यू फॉर दैट ऑल। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई विश कि मैं लाइटर ले लूँ इन सम डेज, तो मुझे इससे भी please god please divine something good I wish to have a good reading theek hai no contact situation breakup wale less contact aapke person aapko jo message nahi kar rahe call nahi kar rahe ignore kar rahe hain ya messages ke reply nahi kar rahe aisi situation ya pareshan hai kyunki suddenly hua hai aapke sath itna acha hua achanak hi aisa kya hua ki aapke aur aapke person ke beech mein itni negativity aa gayi I can see and I can sense that theek hai jhagde misunderstanding current energies mein mujhe nazar aa raha hai hua to hai kuch na kuch bahut badi problem hui hai ye bhi nazar aa raha hai ki is इसलिए आपके पर्सन टाइम नहीं देख पा रहे बिकॉज ये वाकई बिजी हैं ठीक है। इनके लाइफ में करियर प्रायोरिटाइज पे है राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि करियर बन जाए तो फिर स्ट्रगल हो जाऊँ, तो फिर हम प्यार मोहब्बत शादी ये समथिंग करते रहेंगे। कहाँ जा रही हैं आप, इतनी यूजलेस हैं क्योंकि फोकस इनका इनके कैरियर को कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हायर पोजीशंस पे जाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें कोई नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, कोई पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है राइट। और हायर एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों की ठीक है। इस तरह की वाइब है, खुद को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका लॉन्ग टर्म बेसिस पे करियर सेटल हो जाए राइट। इनकी प्रायोरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है इनकी करियर और फाइनेंस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बात है या कम है ठीक है, दोनों है। कुछ लोगों की पर्सन में एनर्जीज में ये भी नज़र आ रहा है कि वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है जिनको लेकर आपके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आपके पर्सन जहाँ जॉब करते हो वहाँ कोई लड़की हो, दोस्ती रख रही हो या जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई कॉलीग हो या कोई गर्लफ्रेंड करती हो या कोई लड़का उनके साथ दोस्ती रख रहा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, इनसिक्योरिटी हो रहा है राइट। वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है बिकॉज जनरल है तो इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आप बहुत ज्यादा स्पाइंग एनर्जी में हैं, आपके पर्सन से बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे झगड़े फसाद हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके जो पार्टनर है ना अच्छी एनर्जी नहीं है क्योंकि आपको और उनको लग रहा है कि स्पेस देना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट में डाल देना चाहिए राइट। थर्ड पार्टी की तरफ से एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि पर्सन की आप लोगों की शादी फिक्स हो गई है या हो रही है उनके माँ बाप की पसंद से, फायरी एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जी में है कि आपका पार्टनर आपसे नहीं दूसरे से शादी करने का सोच रहे हैं, फोर्सफुली अपनी मर्जी से नहीं आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा या ले रहे, ये मेरे लिए बात क्यों नहीं कर रहे अपने फैमिली से, इस वजह से ब्रेकअप कर रहे हैं ठीक है। ये सिचुएशन है कि आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट तकरीबन है या जब बातचीत होती है तो थोड़े टाइम में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाते हैं या तो बिल्कुल ही बात नहीं होती। इनकी करंट एनर्जी में यही चीज़ नज़र आ रही है कि यही रीजन्स है जिनकी वजह से आपके पर्सन आपसे सेपरेट पे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है या स्पाय तो करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं कभी कभी, सोचते हैं कि बैलेंस करें चीज़ों को, पर इनको लगता है कि नहीं वक्त आएगा तो हो जाएगा और ये वक्त इस तरह जाता जा रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अच्छा पार्ट टू भी बनेगा तो ज़रूर देखिएगा। फीलिंग्स में मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है इमोशनली अपसेट हैं,
हैप्पीएस्ट वाइब नहीं आ रही मुझे आज की करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ थर्ड पार्टी में, मुझे बहुत इंडिकेशन हो रही है थर्ड पार्टी की. एक तरफ आप है, एक तरफ थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच में पर्सन है आपके पार्टनर, ठीक है. उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, मैं खुश रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ. ये सही सही टाइम आने पे मेरे लिए जो सूटेबल होगा वो मैं उसके पास रखूँगा, चाहे वो उनके साथ हो चाहे वो आपके साथ है. ही इज़ कन्फ्यूज और शी इज़ कन्फ्यूज राइट नाउ, ठीक है. ये रेडी नहीं है कोई प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए आपके साथ, हाँ, क्योंकि इनके अपनी, क्योंकि जो न्यू ह्यूमन की वाइब्स है ना वो बहुत डिफरेंट है इस बार. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनकी जो वाइब्स हैं इमोशनली या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी. इट्स अप टू द ऑरा. इनकी वाइब्स में जो मुझे लग रहा है, इनकी जो फीलिंग्स में ना इमोशनली अपसेट आ रहे हैं आपके पर्सन. डिससेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, आपके साथ हैप्पी नहीं है, हैप्पी एनर्जी नहीं है. कोई मैटर है ऐसा जिनकी वजह से नेगेटिव वाइब जा रही है आपकी तरफ से. उनको ईगो की एनर्जी, एटीट्यूड की एनर्जी नज़र आ रही है. मैं ही क्यों सॉर्ट आउट करूँ, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, वो ये सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ कद भी नहीं करते वो. एक्सप्लेनेशन क्यों देता रहूँ या देती रहूँ कि मेरा ही काम है, इस तरह की वाइब्स में है आपके पार्टनर. क्योंकि कल न्यू मून है, आपके जो पर्सन है ना, जो आपके न्यू है ना, जो फायर एनर्जी है, कल का मून फायर में होगा. क्योंकि फायर और मून ईगो यू नो इमोशंस ये मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे राइट. अगर आपके साथ बात भी करेंगे ना तो बहुत ईगो में करेंगे, क्या जस्ट लाइक बहुत लिमिट में, बहुत ज़्यादा यू नो नाप तोल के वर्ड वर्ड हाई कर दे, कहेंगे हाँ हाय कैसी हो भी नहीं. इतनी ब्लंट बात कर सकते हैं ये कि आपको चोट पहुंच सकती है. प्लीज़ बी केयरफुल, हाँ ट्रिगर है ये आप लोगों को, कार्मिक ट्रिगर दे रही हूँ मैं आपको. एनर्जी में चेंज आया, बहुत शिफ्ट हुई है थर्ड पार्टी की वजह से. बहुत ज़्यादा आपकी और आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा हैवी हैं. और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या हो सकता है. नेक्स्ट सेक्शन बता दीजिए प्लीज़. ओ कुछ तो बहुत गुस्सा, कुछ बड़ा होने वाला है. आई कैन सी दैट. मैं नंबर्स, अल्फ़ाबेट और साइंस कोशिश करूँगी सेकेंड पार्ट में रिकवर करने की, हम लोग कोशिश करें, ठीक है. सो प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देखें. या मेरा हाथ जल रहा है, इमीडिएट एक्शन बताइए प्लीज़. ओ हमेशा ये लॉ रहती है, आज गिर गई है. कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, समथिंग. 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर है कि कुछ गड़बड़ बड़ा होने वाला है, लेकिन बुझ नहीं रहा है. आप ये देखें, ये गिर गया है लेकिन ये बुझ नहीं रहा है. ये देखें, दैट्स अ मिरेकल ट्रू राइट. कॉन्टैक्ट हो सकता है जो नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन वो ट्रिगर दे सकते हैं. तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो उनके लिए अच्छी एनर्जी है, थर्ड पार्टी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन, ठीक है. इस एनर्जी की वजह से, आपके ट्रिगरिंग करने की वजह से, सवालात करने की वजह से, यू नो पुलिस वाला एक्शन करने की वजह से थर्ड पार्टी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना. इमोशनली क्योंकि बुझ गई, एनर्जी की शिफ्ट हो रही है. बाकी यहाँ जो वाइब्स है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा बी क्लेवर, ओके. स्पेशली 70 आवर्स को आपको ट्रिगर कर सकती है, 70 आवर और मिनिमम 24 आवर तक, ठीक है. 24 to 27, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसकी रीडिंग को देखने के बाद 24 to 70 आवर जब भी आप देखें, ठीक है. प्लीज़ बी केयरफुल, मुझे बताइए क्या 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 मैसेजेस हैं उनके पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं. पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आपके पर्सन बैलेंस आउट चाहते हैं, लेकिन वो फिक्सिंग नज़र आ रही है शादी की, थर्ड पार्टी से या थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ भी हो सकता है. बिकॉज ये जर्नल है, प्राइवेट में पता लगेगा. सो गॉड, और कुछ के पर्सन तो ये भी कह सकेंगे कि हम अब एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, वो अगर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी करके चले जाएंगे. अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, प्लीज़ नहीं प्लीज़. कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार से करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली से कुछ हो सकता है कि बहुत झगड़े से स्टार्ट ना हो आपकी बात, लेकिन
you